नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जानना चाहते हैं या किसी भी स्टूडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या खुद के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास आप का कोई स्कॉलर आईडी का नमूना नहीं है, मतलब फोटोकॉपी नहीं है, स्कॉलर के आवेदन क्रमांक नहीं है, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं? तो मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको क्रोम में जाना है, स्कॉलरशिप 2.0 जैसे सर्च करेंगे वैसे आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर होम बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम स्टूडेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इंटिटीज कोर्स एंड फीस, मतलब कॉलेज के कोर्स और फीस। इंटिटीज मतलब एमपी से बाहर के कॉलेज। कोर्स ऑफ इंटिटीज मतलब कौन कौन से कोर्स होते हैं इंटिटीज में। स्टूडेंट लॉगिन, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्च स्टूडेंट का, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड पर हम जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे सामने। और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक जैसे ही करेंगे ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट नेम मिनिमम तीन लेटर्स, मतलब आपका नाम जो भी है तीन लेटर डाल देंगे उसके। तो चलिए हम तीन लेटर डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो तो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, जैसे इंदौर के तो इंदौर कर लेना। तो चलिए हम इधर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एससी से हैं तो एससी सिलेक्ट कर लेंगे, एसटी से है तो एसटी सिलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल है तो जनरल सिलेक्ट कर। तो चलिए हम ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटिटीज ने आपकी, आपने जो ज़िला सिलेक्ट किया उसमें जितनी भी कॉलेज आईटीआई है सभी आ जाएगी आपके सामने। देखिए हरदा ज़िले में इतने कॉलेज हैं, आईटीआई भी आ जाएगी। तो चलिए हम जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी कॉलेज का स्टूडेंट है उस कॉलेज को देख लेंगे कौन सी कॉलेज है। हम होली फेथ कॉलेज ऑफ एक्सलेंस सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च डिटेल पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये इस नाम की हमारे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमने जो शुरू के शब्द डाले थे उससे ये देखिए, ये अब इसमें से हम अपना नाम सिलेक्ट करके एप्लीकेंट एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेंट पर जैसे से तीनों ईयर का, ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी आ गई, एप्लीकेशन नंबर आ गया, पूरी डिटेल, एडमिशन कब लिया था, कौन सी कॉलेज है, कौन प्राइवेट है या रेगुलर है, सब पूरी जानकारी मिलेगी आपको। कोर्स के बारे में डिटेल मिलेगी, ये देखिए सबसे पहले बेसिक डिटेल मिलेगी हमारे बारे में, फैमिली डिटेल मिलेगी, फिर एड्रेस डिटेल मिलेगी, फिर कॉलेज की डिटेल मिलेगी, फिर कॉलेज से कोर्स की डिटेल मिलेगी, फिर बैंक डिटेल मिलेगी जिसमें हमारी एप्लीकेशन, हमारी स्कॉलरशिप जाती है। देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए तीनों ईयर की, जैसे आप फर्स्ट हैं तो फर्स्ट की मिलेगी, सेकंड की मिलेगी, थर्ड की मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर होता है कोर्स ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये देखिए हम सेकंड की भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सेकंड ईयर में 3911 रुपये स्कॉलर आई थी, थर्ड ईयर में जो कि हमें अभी हमें नहीं मिली है। देखिए हमारी स्कॉलर भी डल चुकी 4977 रुपये डली है, ये कब डली है 19/3/2022 को ही डली है हमारी स्कॉलर, 19/3/2022 को 4977 रुपये डली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
धन्यवाद।